नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्राइम और हम आपके लिए लेकर आए हैं यह विशेष समाचार। सोनू हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एवं श्री मानव सेवा संस्थान की ओर से जयपुर के प्रताप नगर कुंभा मार्ग स्थित श्री कृष्णा पैराडाइज में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को मानव सेवा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। इस दौरान सोनू हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे महिला आत्मनिर्भर अभियान के तहत लड़कियों और महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से रोजगार मेला भी लगाया गया। कार्यक्रम में झुग्गी झोपड़ियों की बालिकाओं ने कैटवॉक कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस दौरान वैश्वी मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अमन वर्मा, सीनियर कराटे कोच यहाँ दिनेश डाबी, जनाधिकार न्यूज के वरिष्ठ संपादक मोहम्मद अजहरुद्दीन सहित अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक योगदान देने वाली हस्तियों को मानव सेवा सम्मान प्रदान कर अभिनंदन किया गया। इसके अलावा स्वरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी प्रथम बैच की 100 बालिकाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम संयोजक सुनीता छाबड़ा ने बताया कि नववर्ष के मौके पर हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला कौशल को बढ़ावा देना था, जिसके अंतर्गत बालिकाओं ने रैंपों के साथ ही मनोहारी नृत्य प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SSBC फाउंडेशन के अध्यक्ष मदनलाल यादव थे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में वरिष्ठ नृत्य गुरु एवं अभिनेत्री उषाश्री, पार्षद ममता यादव, पूर्व पार्षद संतोष शर्मा, श्री मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष सुरेश चंद्र सेन आदि शामिल रहे। उल्लेखनीय है कि सोनू हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर तबके की बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार का नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें उन्हें सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हैंडक्राफ्ट तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा मानव सेवा के रूप में महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल वितरण, शिक्षा से वंचित बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरण और उन्हें स्कूल में दाखिला दिलवाना, त्यौहार और अवसर विशेष पर कच्ची बस्ती के परिवारों में भोजन, कपड़े और जरूरी सामान का वितरण समय समय पर किया जाता है। सबसे पहले नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सब लोग यहाँ पर आए, जुड़े, मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। यह मेरा पहला इवेंट था जो एक ऐसी लड़कियों को लेकर था कि जो आगे बढ़ना चाहती हैं, और मैं उनको बहुत दिनों से आगे बढ़ा रही थी और उनको रोज़गार भी दिलवाया। मैंने ऐसे लोगों को बुलाया यहाँ पर जिन्होंने उनको रोज़गार भी दिया है। तो मैं ये चाहती हूँ ये लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ें और मैं ऐसे ही काम करती रहूँ। भगवान मुझे इतना हिम्मत दे कि मैं ऐसे कामों में आगे बढ़ूँ और आप सब लोग मेरा साथ दें। अभी तक कितनी बालिकाएं हैं जिनको आपने आत्मनिर्भर बनाया? अभी तक लगभग 200 लड़कियाँ हो चुकी हैं, उससे ज़्यादा ही हो गई होंगी, जिनको मैंने सिलाई, ब्यूटिशियन, हर्बल चाय मेकिंग, ज्वेलरी, कंप्यूटर कोर्स, ये इस तरीके के कोर्स करवाए हैं। और अगला मेरा सेशन बहुत जल्द एक वीक के अंदर शुरू होने वाला है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस प्रोग्राम के बाद मैं उस काम में वापस से लगूंगी। 2023 के लिए आपने क्या लक्ष्य रखे हैं, कुछ क्या नया करेंगे? मेरा लक्ष्य यही है, जिस परिस्थितियों से मैं निकली हूँ, मैं नहीं चाहती कोई भी लड़की उस परिस्थिति से निकले। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को मुझे आत्मनिर्भर बनाना है, यही मेरा लक्ष्य है। जी, मेरा नाम पूनम गौतम है। हमें यहाँ सोनू हेल्पिंग ट्रस्ट के नाम से निःशुल्क पार्लर सिखाया जा रहा है। यहाँ पर हमें थ्रेडिंग सिखाई गई है, वैक्सिंग सिखाई गई है, हेयर कलर सिखाया गया है, हेड वॉश सिखाया गया है, उसके बाद हाइलाइटिंग सिखाई गई है, पेडिक्योर सिखाया गया है, मेडिक्योर सिखाया गया है, हेड मसाज भी सिखाया गया है। और यहाँ पर हमारे जो बिहेवियर है ना, उसको चेंज करना भी बताया गया है और हमें फैशन स्टाइल भी बताया गया है कि आपको इस तरह रहना चाहिए। इस तरह हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं यहाँ पर। Okay, तो अब आगे क्या करना चाहेंगे आप? जी, हम सोच रहे हैं कि हम खुद का भी पार्लर स्टार्ट करें या पहले अपने ही एरिया में ट्राई करें लोगों के ऊपर। अगर हमारा हाथ साफ है तो हम लोग खुद का एक शॉप खोलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आज जो हमारा 2023 की शुरुआत हुई है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ अपने कृष्णा पैराडाइज के अंदर सोनू ने मुझे निमंत्रण दिया और मुझे बेहद खुशी हुई कि जब ये जान के जब पता लगा कि सोनू ने कम से कम नहीं तो 200 छात्र छात्राओं को तैयार किया है और उनको आत्मनिर्भर बनाया है। इससे पहले 2 महीने या 3 महीने, 6 महीने से जो ये काम जो कर रही हैं इन बच्चों को तैयार करने का, उसमें इन्होंने, मैंने देखा कि इन्होंने नृत्य के लिए भी और ज्वेलरी के लिए भी, उसकी सिलाई के लिए भी, इन्होंने बहुत अलग अलग विधाओं में उन बच्चियों को तैयार किया। जो बच्चियाँ घर से बाहर नहीं आ पा रही थी, उनको इन्होंने अपनी माओं को तैयार किया और उनकी मदद से सबसे परमिशन लेके, और इन्होंने उनको ये इसलिए तैयार किया कि वो आगे अपना जो है खुद का रोज़गार खुद अपना चला सकें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज सोनू हेल्पिंग हैंड से मैं जुड़ी
और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोनू ने एक इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया है, और ये आज ही नहीं, ये तकरीबन कई वर्षों से इस कार्यक्रम को कर रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। ये इनका जो पहला कार्यक्रम था, जो इन्होंने कहा कि मेरा पहला कार्यक्रम है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम को पेश किया। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि काफ़ी जो पेरेंट्स आए हैं और जिन बच्चियों ने यहाँ हमारे सामने कैटवॉक किया है, राजस्थानी लोक नृत्य पेश किए हैं, और अलग अलग विधाओं में जिन बच्चियों को इन्होंने तैयार किया है, वो सब यहाँ बहुत खूबसूरती से तैयार होकर यहाँ आई हैं। तो मेरा तो इस वर्ष में भी यही इनसे निवेदन रहेगा कि सोनू छाबड़ा जैसी, ये अपनी जैसी और सोनू छाबड़ाएँ यहाँ तैयार करें।